हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MSS इंग्लिश क्लासेस। आई एम पारुल एंड हियर आई विल डिस्कस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द पासिंग ऑफ आर्थर। पासिंग ऑफ आर्थर मीन्स आर्थर की मृत्यु। इस पोयम को मैंने एक्सप्लेन किया है, इस पर वीडियो डाली है और अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए। यहाँ पर इसके सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। द पासिंग ऑफ आर्थर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोयम्स ऑफ द एमिनेंट पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और साथ ही साथ मैं इसमें एक एक्सप्रेशन भी आपको बताऊंगी पोएम की लास्ट स्टेंजा की, उसको समझाऊंगी सेंट्रल आइडिया के साथ साथ। पासिंग ऑफ आर्थर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम। पासिंग ऑफ आर्थर है वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम, यानी कि सबसे अच्छी, जो सबसे फेमस प्रसिद्ध पोएम्स हैं एमिनेंट पोइट, प्रसिद्ध, एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध पोइट कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, जो कि एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं इंग्लैंड के, तो उनकी जो फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक है ये। दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेनिसन लॉन्ग पोएम मॉर्टेड आर्थर। और ये पोएम एक एक्सट्रैक्ट है, ली गई है टेनिसन की लॉन्ग पोएम मॉर्टेड आर्थर से। इट मीन्स मॉर्टेड आर्थर जो एक पोएम है, ये बहुत लंबी पोएम है। और मॉर्टेड आर्थर का मीन्स वही होता है जो पासिंग ऑफ आर्थर का है, आर्थर की मृत्यु। इट मीन्स ये इसका जो ओरिजिनल टाइटल है, जो सबसे पहले टाइटल दिया था टेनिसन ने इस पोएम को, वो ये है मॉर्टेड आर्थर। और बच्चों, इसमें पासिंग ऑफ आर्थर में आपने पढ़ा कि कुछ ही स्टेंजाज हैं, जबकि ये बहुत लंबी पोएम है, तो उससे कुछ स्टेंजाज यहाँ लिए गए हैं। दिस पोएम इज अ स्टोरी टोल्ड बाय सर वेडिवर। ये जो स्टोरी है मॉर्टेड आर्थर, ये यानी कि पासिंग ऑफ आर्थर जिसमें से लिया गया है, ये सर वेडिवर द्वारा कही गई है, बताई गई है। वैसे तो लिखा तो सर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने है, लेकिन स्टोरी के अंदर जो करेक्टर है वो सर वेडिवर है जो इस स्टोरी को बता रहे हैं। द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द राउंड टेबल। और कौन है राउंड टेबल के लास्ट सर्वाइवर? सर्वाइवर मीन्स जीवित बचे हुए व्यक्ति, जो बैटल में इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करने के बाद जीवित बचे बहुत ही ब्रेव योद्धा। इंस्टीट्यूटेड बाय किंग आर्थर। अब राउंड टेबल को संस्थापित किया गया किसके द्वारा? किंग आर्थर के द्वारा, राजा आर्थर के द्वारा, जिसमें वो बता रहे हैं कि राजा आर्थर घायल हो गए थे उस युद्ध में, और उनके द्वारा ये राउंड टेबल को स्थापित किया गया था। राउंड टेबल में क्या होता था, क्या था कि एज सर वेडिवर जैसे 12 योद्धा थे, बहुत ही अच्छे योद्धा, और ये एक प्रणाली थी जिसे किंग आर्थर ने संस्थापित किया था। एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी प्रथा जिसकी एक ऐसी मान्यता थी कि जो चेंजेस हैं, चेंज इज द रूल ऑफ दिस यूनिवर्स, कि एक प्रथा बदलती है और उसके स्थान पर एक नई प्रणाली आ जाती है, यानी कि पुरानी, जो पुरानी प्रणाली है वो बदल जाती है और उसकी जगह नई प्रणाली, न्यू कस्टम एक स्थान ले लेता है। तो इसकी ये एक मेन मोटिव था राउंड टेबल का। तो इसी के सेनापति थे सर वेडिवर, यानी कि मेन योद्धा थे इस राउंड टेबल के। दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये पोएम बच्चों लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जिस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं होती। इट हैज नो राइम स्कीम। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। ब्लैंक वर्स, जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती, वो पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है। इट मीन्स हर पोएम में जैसे आप राइम स्कीम निकालते हैं AABB, तो इस तरह से इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई भी लास्ट वर्ड इसमें राइम नहीं करता है। फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें बच्चों, सिमली हैज बीन यूज्ड इन द लाइन राइज लाइक अ फाउंटेन। तो इस पोएम में लाइक आ रहा है और यहाँ पे सर वेडिवर को आर्थर बोल रहे थे कि अपनी आवाज उठाओ फाउंटेन की तरह, इट मीन्स ईश्वर से प्रार्थना करो मेरी आत्मा की शांति के लिए, अगर तुम मुझे दोबारा ना देख पाओ। तो इस लाइन में सिमली फिगर स्पीच है। दिस पोएम इज फुल ऑफ द पोएट्स फर्म फेथ इन गॉड एंड प्रेयर। ये जो पोएम है, इस ये पोएम फुल है, परिपूर्ण है पोइट के फर्म फेथ से, यानी कि दृढ़ विश्वास से गॉड में एंड प्रेयर में। ये पोएम किससे परिपूर्ण है? पोइट के ईश्वर में विश्वास और प्रेयर में विश्वास, दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण है। हम पाते हैं इसमें कि पोइट को गॉड में और प्रेयर में बहुत ही ज्यादा विश्वास है। द ग्रेटनेस ऑफ गॉड इज द मेन आइडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। और ईश्वर की महानता ही बिगनिंग से, यानी कि शुरू से लेके आखिर तक पोएम में मेन आइडिया है, मुख्य विचार है। द पोइट टेल्स अस, यहाँ पे बच्चों एस आएगा, तो द पोइट टेल्स अस अबाउट किंग आर्थर। पोइट इसमें हमें किंग आर्थर के बारे में बताते हैं, माइटी किंग ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के एक माइटी यानी कि शक्तिशाली राजा रहे थे। किंग आर्थर इज बैडली वाउंडेड। किंग आर्थर बुरी तरह से घायल हैं एंड ही इज गोइंग विद हिज 3 queens टू द आइलैंड ऑफ अविलियन फॉर रिकवरी। और वो कहाँ जा रहे हैं? अपनी 3 रानियों के साथ
आइलैंड ऑफ अवेलियन, अवेलियन के द्वीप जा रहे हैं फॉर रिकवरी यानी कि ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए. ही गिव्स लास्ट मैसेज टू हिज फेवरेट नाइट, वो एक लास्ट मैसेज देते हैं, अंतिम संदेश अपने फेवरेट नाइट बैडिवर को इस पोयम में जो पासिंग ऑफ आर्थर. ही सेज दैट चेंज इज द रूल ऑफ दिस यूनिवर्स, और वो क्या कहते हैं कि चेंज यानी कि बदलाव इस प्रकृति का नियम है. एवरीथिंग चेंजेस इन दिस वर्ल्ड, हर चीज इस संसार में बदल जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ. पैसेज का मीन्स होता है बीतना. द ओल्ड सोशल ऑर्डर चेंजेस, और वो समझा रहे हैं कि हमने ये प्रणाली भी स्थापित की थी कि पुरानी जो सोशल ऑर्डर्स हैं, सामाजिक व्यवस्था है, वो बदल जाती है एंड न्यू वंस टेक प्लेस, और नई प्रणालियां उसकी जगह स्थान ले लेती हैं. इट इज नेसेसरी, और ये आवश्यक है फॉर द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव के लिए, ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार के. तो संसार के रख रखाव के लिए ये आवश्यक भी है. इवन गुड कस्टम्स मस्ट चेंज, और यहाँ तक कि जो अच्छी प्रणालियां हैं वो भी अवश्य ही चेंज होनी चाहिए. इफ दे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि वे बहुत लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक कंटिन्यू रहती हैं, जारी रहती हैं, दे लॉस देयर यूटिलिटी, तो वे खो देती हैं अपने महत्व को, यूटिलिटी यानी कि अपनी उपयोगिता को, अपने महत्व को खो देती हैं. एंड ब्रिंग करप्शन, और क्या लाती हैं, भ्रष्टाचार लाती हैं. देन ही टेल्स हिम, फिर वह उनको बताते हैं यानी कि किंग आर्थर बैडिवर को बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का महत्व. गॉड इज सुप्रीम मास्टर, वो कहते हैं कि ईश्वर सुप्रीम मास्टर है, सर्वश्रेष्ठ मालिक है. ही फुलफिल्स हिमसेल्फ, वह परिपूर्ण करता है हिमसेल्फ, खुद अपनी इच्छाओं को. हिमसेल्फ मीन्स अपनी इच्छाओं को गॉड के लिए आया, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से. इट मीन्स गॉड अपनी इच्छाओं को बहुत सारे तरीकों से परिपूर्ण करते हैं. इट मीन्स वो एक पुरानी व्यवस्था को खत्म करते हैं और नई व्यवस्था उसकी जगह स्थापित करते हैं. मैन आर बेटर देन एनिमल्स, और वो कहते हैं कि मनुष्य अधिक अच्छा है एनिमल्स से, ओनली केवल इसलिए बिकॉज दे नो गॉड, क्योंकि वे ईश्वर को जानते हैं. प्रे टू हिम, और उसकी प्रार्थना करते हैं. प्रेयर लिंक्स द वर्ल्ड, और प्रेयर ही एक ऐसी शक्ति है जो लिंक करती है संसार को टू द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों से यानी कि जोड़ती है. तो प्रेयर का महत्व इसमें बताते हैं वो. अब बच्चों इसकी एक्सप्रेशन को समझ लीजिए. मैंने इसमें एक एक्सप्रेशन आपको समझाई है इस पोएम में, ये पोएम है आपकी, और इस पोएम में ये लास्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाई है, जिसमें पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हू कॉल देम फ्रेंड्स. फोर, सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल. तो इसमें वो कह रहे हैं ना कि मनुष्य किस कारण शीप और गॉड से, एनिमल से बेटर है, यदि वो ईश्वर को जानते हुए हाथ नहीं जोड़ता है, खुद के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना नहीं करता है, तो वो एनिमल्स से बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल्स को तो पता नहीं है कि लाइफ जो मिली है वो ईश्वर के कारण ही मिली है, गॉड ने उन्हें बनाया है. तो पहले एक्सप्रेशन और रेफरेंस लिखते हैं. दीज ब्यूटिफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज बाई द एमिनेंट पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन. बच्चों ये ब्यूटीफुल लाइन्स हैं क्योंकि ये प्रोवर्बियल भी हैं, कहावत बन चुकी हैं, तो इसलिए मैंने इनको ब्यूटीफुल लाइन्स लिखा है कि ये सुंदर पंक्तियां ली गई हैं कहाँ से, फेमस पोएम पासिंग ऑफ आर्थर से, कंपोज किसने किया है यानी कि रचा गया है किसके द्वारा, एमिनेंट पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन. तो आपको बस पोएम का नाम और पोएट का नाम चेंज करना होता है, ये लाइन्स सेम रहती हैं. अगर लाइन्स बहुत ही अच्छी बात बता रही हैं तो आप ब्यूटीफुल लाइन्स लिखिए. ही वॉज एन एमिनेंट पोएट ऑफ इंग्लैंड, और ये जो पोएट थे ये इंग्लैंड के एमिनेंट पोएट थे यानी कि प्रसिद्ध कवि थे. हिज पोएम्स इंस्पायर्स एवरीवन, उनकी जो पोएम है, पोएम्स इंस्पायर, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा बच्चों, तो उनकी जो पोएम्स हैं वो इंस्पायर करती हैं एवरीवन, हर व्यक्ति को. कंटेक्स्ट, इसके बाद हम कंटेक्स्ट लिखते हैं कि इस स्टेंजा में क्या मेन बात बता रहे हैं. किंग आर्थर कंसोल्स हिज फेवरेट नाइट, किंग आर्थर अपने फेवरेट नाइट को कंसोल्स यानी कि सांत्वना देते हैं बैडिवर को, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए सांत्वना देते हैं, दैट चेंज इज नेसेसरी फॉर गुड, कि चेंज बदलाव अच्छे के लिए जरूरी है यानी कि अच्छाई के लिए जरूरी है. ही रिक्वेस्ट, वो उससे प्रार्थना करते हैं, किससे, बैडिवर से, टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए, टू गॉड, भगवान से, कि वो भगवान की प्रार्थना करे. ही सेज, वे कहते हैं दैट प्रेयर हैज मैजिकल पावर, कि प्रेयर में जादुई शक्ति होती है, तो इसलिए वो उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए. एट द टाइम ऑफ हिज फाइनल डिपार्चर, अपने अंतिम प्रस्थान के समय, किंग आर्थर, इस तरह से आप लाइन को शुरू कर सकते हैं बच्चों कि किंग आर्थर, जो भी एक्सप्रेशन आप करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ हिज फाइनल डिपार्चर, ये फर्स्ट लाइन आप सेम रख सकते हैं हर एक्सप्रेशन में, और ये कंटेक्स्ट भी आप सेम रख सकते हैं. तो एट द टाइम ऑफ हिज फाइनल डिपार्चर, अपने फाइनल डिपार्चर के समय, किंग आर्थर बिड्स गुड बाय टू हिज फेवरेट नाइट, अपने फेवरेट नाइट को क्या कहते हैं, वो गुड बाय कहते हैं, इट मीन्स अंतिम विदा लेते हैं.
ही इज गोइंग अवे इन द बार्ज, वो किसमें जा रहे हैं, बार्ज में, एक लार्ज बोट में जा रहे हैं. ही सेज टू सर बेडिवर, वो सर बेडिवर से कहते हैं दैट ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज सोल, कि उनकी आत्मा के लिए उन्हें प्रेयर करनी चाहिए बेडिवर को. ही टेल्स हिम, वह उन्हें बताते हैं वाई ही शुड प्रे टू गॉड, और वो ये भी बताते हैं कि उसे बेडिवर को ईश्वर से ईश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए. ही टेल्स हिम, वह उन्हें बताते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, कि मनुष्य और जानवरों के बीच क्या भेद है, क्या अंतर है. डिस्टिंक्शन मीन्स अंतर. द एनिमल्स डू नॉट नो दैट गॉड हैज क्रिएटेड दैम, एनिमल्स नहीं जानते कि गॉड ने उनको क्रिएट किया है, बट मैन नो, लेकिन मनुष्य जानते हैं. एनिमल्स डू नॉट हैव ब्रेन, एनिमल्स में ब्रेन नहीं होता. इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कैन नॉट यूज देयर रीजनिंग पावर, कि वो अपनी रीजनिंग पावर का, यानी कि उनकी तर्क, उनके अंदर जो तर्क शक्ति है, वो उसका प्रयोग नहीं कर सकते. बट मैन नो, लेकिन मनुष्य जानता है वट गॉड इज, कि ईश्वर क्या है, और ईश्वर अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है. सो ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिमसेल्फ, इसलिए उसे अपने लिए एंड फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने मित्रों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए. मैन नो, मनुष्य जानते हैं गॉड, भगवान को. सो दे आर बेटर देन शीप एंड गॉड्स, तो वे समझा रहे हैं उसको कि मनुष्य ईश्वर को जानता है, इसलिए मनुष्य शीप और गॉड से बेटर है, अधिक अच्छा है, और यदि जानते हुए प्रे नहीं करता तो अच्छा नहीं है. द पीपल हु डू नॉट प्रे टू गॉड, और जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते, आर जस्ट लाइक एनिमल्स, वो बिल्कुल किसके जैसे हैं, एनिमल्स जैसे हैं. प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेयर बहुत ही जरूरी है. इट इज ओनली लिंक बिटवीन गॉड एंड मैन, और ये एक लिंक है गॉड और मैन के बीच. तो वो कहते हैं ना कि फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स, तो प्रेयर क्या है, गोल्ड चेन है और फीट ऑफ गॉड से बंधी हुई है, तो ये एक लिंक है गॉड और मैन के बीच में. इसके बाद लिखते हैं बच्चों पोएटिक नोट, पोएम में क्या विशेष बात है, इस स्टेंजा में क्या विशेष है. दिस स्टेंजा हैज नो राइम, इस स्टेंजा में कोई राइम नहीं है, कोई इस मतलब वर्ड्स में एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं. इट इज इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में है. दिस लाइन शोज पोइट्स फर्म फेथ इन गॉड, ये लाइन शो करती है पोइट के फर्म फेथ को गॉड में. और ये आप किंग आर्थर के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ किंग आर्थर वॉज अ लेजेंडरी इंग्लिश किंग ऑफ 6th सेंचुरी एडी. किंग आर्थर जो है एक लेजेंडरी यानी कि पौराणिक इंग्लिश किंग थे 6th शताब्दी के. एडी, एडी से मतलब जैसे बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो सेंचुरीज हैं, तो 6th शताब्दी सेंचुरी के ये राजा थे. इट इंस्पायर्स अस टू प्रे टू गॉड, और ये जो मतलब स्टेंजा है या पोयम है, ये हमें इंस्पायर करता है ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए. आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.